Hello friends, my name is Dipankar from ETV. For today and tomorrow, as you teachers are shaping today's education for better tomorrow, similarly we are doing the same in technology. So ETV का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का डेमोस्ट्रेशन का जो वीडियो है वो हमने लास्ट टाइम यूट्यूब पे अपलोड किया था. नाउ ETV ने अपने पैनल का एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड किया है एंड बहुत सारे फीचर्स भी अपडेट किए हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स ऐड कर दिए हैं जो आप कहीं ना कहीं आपका टाइम सेव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये ETV का राइटिंग सॉफ्टवेयर है. तो पहला रिक्वायरमेंट था ETV के राइटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, लोग ये चाह रहे थे कि ETV के राइटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हमें गूगल ड्राइव का ऑप्शन मिल जाए. ना गूगल ड्राइव का ऑप्शन इसलिए चाहिए कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे फैकल्टीज जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना PDF और PPT रेडी करके गूगल ड्राइव के ऊपर डाल देते हैं. यहाँ आके वो लॉगिन करके वहाँ पढ़ाना स्टार्ट करते हैं. तो हर बार उन्हें वो बाहर लॉगिन करना पड़ता था. नाउ आप गूगल ड्राइव के ऊपर यहीं लॉगिन कर सकते हैं, जिसका आइकन हमने सामने ही दे दिया है कि यहीं आपको गूगल ड्राइव मिल जाएगा. आप गूगल ड्राइव पे जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आपका गूगल ड्राइव के ऊपर ईमेल आईडी लॉगिन है तो आपका सारा डेटा आपको यहाँ सामने दिखाई देगा. अच्छा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और PPT, इसके अलावा अगर गूगल ड्राइव के ऊपर एक वीडियो है, हेवी वीडियो है, बड़ी वीडियो है, वो भी रन हो जाएगी. तो मैं आपको वीडियो ही रन करके दिखाता हूँ. जैसे हमने वीडियो पे क्लिक किया तो एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट का. जैसे ही आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वीडियो की इमेज यहाँ पे आ जाएगी. ना आप सोचेंगे इमेज आ गई तो इसे प्ले कैसे करेंगे, तो आपके नीचे यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लिप, टॉप, क्लोन एंड प्ले एंड डिलीट. जैसे आप क्लिक करते हैं वीडियो के ऊपर तो वीडियो जिस साइज का होगा अकॉर्डिंगली वो एक टाइम लेगा वीडियो ऑन होने के लिए, वीडियो ऑन हो जाएगा. नाउ हमने बहुत इजी वे में एक छोटे से 30 सेकंड के वीडियो के माध्यम से बताया है कि कैसे एक स्टूडियो सेटअप तैयार होता है ऑनलाइन क्लास के लिए. तो जैसे अकॉस्टिक शीट्स हमने इसके अंदर दिखाई है, आप एक पैनल लगाएंगे, देन एक OPS आता है, फिर विंडोज आपका ऑन हो जाएगा. नाउ आपके सामने एक स्क्रीन लगी होगी, फैकल्टी जो पढ़ा रहा है वो अपने PPT PDF को सामने वाली स्क्रीन पर देख पाएगा. इस तरह से हमने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है कि बहुत लोग पूछते हैं कि आप अकॉस्टिक या स्टूडियो का सेटअप कैसे रेडी करेंगे. सिमिलरली हम लोग इस तरीके से एक स्टूडियो का सेटअप रेडी करेंगे. ये वीडियो हमारा यूट्यूब पे सेपरेटली भी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं. नाउ वापस बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद सेम आपको इमेज फॉर्मेट में दिखाई देगा, आप इसे डिलीट कर दीजिए. तो ये पहला फीचर है जो राइटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आया है. तो यहाँ 2D और 3D शेप्स के ऑप्शन दिए हुए हैं. नाउ अगर आप 2D शेप पे यहाँ क्लिक करते हैं आइकन के ऊपर, तो फॉर एग्जाम्पल हम कुछ शेप बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने एक शेप रेडी किया, फिर हमने दूसरा एक शेप रेडी किया, ये ऑटो शेप लेयर आप देख पा रहे हैं. इस शेप में अगेन आप ऑटो में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप कलर भी फिल कर सकते हैं. जैसे ही आप सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मल्टी कलर के ऑप्शन दिए हैं, आप जो भी कलर लेना चाहें वो आप कलर ले सकते हैं. आपको लगता है आपने व्हाइट कलर ले लिया तो आप इसका फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने इसका ब्लैक फ्रेम लिया. तो ये एक है, इसके अलावा और भी मल्टीपल वेज हैं इसे यूज करने के लिए. छोटे बच्चों को थोड़ी सी कलर वाली चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल आपको सर्कल बनाना है तो आपने अगेन यहाँ शेप पे क्लिक किया. फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपने यहाँ शेप पे क्लिक किया और आपने यहाँ एक सर्कल बनाया, इसने ऑटो शेप ले लिया. अगेन आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं. फिर आपने बच्चों को बताया कि ये सर्कल है. अगेन आपने नंबर 2 आपने दूसरा शेप बनाया, हमने यहाँ एक ट्रायंगल लिया. अगेन हमने सेलेक्ट पे क्लिक किया और हम यहाँ कोई भी कलर फिल कर देंगे. तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इसे यूज़ कर सकते हैं. अलग अलग वेज हैं स्मार्टली कैसे यूज़ किया जाए वो मैंने आपको बताया. तो ये दूसरा फीचर है. थर्ड फीचर जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि बहुत बार बहुत सारा डेटा हमारे पास पेन ड्राइव के अंदर नहीं होता है, हमारे पास ब्राउज़र के ऊपर ऑनलाइन मिलता है. और लोगों की रिक्वायरमेंट है कि जब डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्यों ना राइटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर ही हमें ब्राउज़र मिल जाए और सारा डेटा हम लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकें. नाउ वो सर्च का ऑप्शन हमने यहाँ दे दिया है. नॉट इवन ब्राउज़र के ऊपर आपको इमेजेस मिलेंगे, आप ब्राउज़र के ऊपर वीडियोस भी ओपन कर सकते हैं. आपको जस्ट यहाँ क्लिक करना है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको सर्च का. अब सर्च पे आप बहुत सारी इमेजेस देख लेंगे. इनफैक्ट ये जो आपको इमेजेस मिलने वाली है बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस मिलने वाली है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कुछ सर्च करते हैं तो हमने यहाँ सर्च किया सपोज कीजिए डॉल्फिन, ऑटोमेटिकली मल्टीपल इमेजेस हमारे पास आ जाएंगी. अब कोई भी इमेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सिंपल वे. फॉर एग्जांपल हमने एक इमेज सेलेक्ट की, ये जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, आप इंसर्ट कीजिए.
तो ऑटोमेटिकली वो इमेज यहाँ इम्पोर्ट हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं कितना हाई क्वालिटी इमेज इम्पोर्ट हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। तो आप इसे जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, आप कुछ ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब ये इमेज की बात हुई, आप कुछ भी इमेज सर्च कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वीडियो की, कैसे वीडियो को कैसे सर्च करें। नाउ जैसे यहाँ ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है या ऑनलाइन वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने यहाँ सर्च पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा @BIFP, अगेन मैंने यहाँ क्लिक किया और ये सर्च कर रहा। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ वीडियो का ऑप्शन आ गया। अब मैंने वीडियो को सेलेक्ट किया और जस्ट मैं यहाँ इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के बाद ये इमेज एक इमेज फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा होगा। जस्ट अगेन सेम आपको वही करना है, प्ले पे क्लिक करना। जैसे ही आप प्ले पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो लास्ट हमने पूरा एक लेंथ में एक वीडियो बनाया था फीचर्स को लेके, तो अगेन वो वीडियो आपको यहीं से ओपन हो जाएगा। तो राइटिंग सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली हमने वीडियो को अपलोड किया, क्लिक किया और वहीं हमने YouTube ओपन कर लिया, तो बहुत इजी हो गया ये। अगेन आप क्लिक कीजिए और से डिलीट कर दीजिए। इसके अलावा सर्च के बाद हमने फॉर्मूलाज ऐड कर दिए, यू कैन क्रिएट योर ओन फॉर्मूलाज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सीन कॉस सेंस सब यहाँ दे दिया, ABC ऑपरेशन सिंबल्स मल्टीपल सिंबल्स के ऑप्शन आपको इसी राइटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर मिल जाते हैं। प्लानेट का ऑप्शन क्या हुआ है यहाँ पे, आप प्लानेट पे क्लिक करेंगे, अगेन आप इस प्लानेट को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। पूरा 3D शेप दिया हुआ है इसके अंदर। सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो अगेन मैंने आपको दिखाया, इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो ऑन हो जाएगा, बट कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आजकल ई कंटेंट का बहुत रिक्वायरमेंट है कि यू नो गूगल के ऊपर सारा डेटा अवेलेबल है, सारी क्लासरूम्स का डेटा अवेलेबल है, कुछ इमेजेस हैं जो गूगल से हमको डायरेक्टली इम्पोर्ट करनी है अपने पैनल के ऊपर, तो वो हम कैसे ले जाएंगे। तो NCERT के जो कंटेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंटेंट्स गूगल पे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अब यू नो आपको एक क्लासरूम में एक क्वेश्चन लेके आना है और इसे सॉल्व करना, तो आपको क्वेश्चन लिखने में टाइम ना लगे, तो आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप इमेजेस को या टेक्स्ट को कैसे कर सकते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। तो अगेन पहले जब सेलेक्ट करते थे तो कुछ भी हमने लिखा टेक्स्ट तो वो हमें डायरेक्टली ब्राउजर पे लिखा जाता था। नाउ अब ब्राउजर आपका यहीं ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा NCERT English chapter 1, हम सेलेक्ट में गए, हमने इसे सेलेक्ट किया और हमने ब्राउजर पे क्लिक किया। ये ब्राउजर पे यहीं ओपन, तो हमने एग्जैक्टली जो लिखा वो यहीं ब्राउजर पे ओपन। अब फॉर एग्जाम्पल हमें ब्राउजर से ये पूरा टेक्स्ट लेके आना है, आप लिखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं डायरेक्टली ब्राउजर से ये टेक्स्ट आपका राइटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जितना एरिया आप सेलेक्ट करना चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको यहाँ लेके आ सकते हैं और आप इसे क्रॉस कर। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन या लाइन या टेक्स्ट लिखने की जरूरत ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली आप अपने ब्राउजर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया टेक्स्ट, नाउ हम इमेजेस की बात कर रहे हैं। अगेन मैं ब्राउजर पे गया, मैंने ब्राउजर ओपन किया, हम फॉर एग्जांपल एक इमेज ले लेते हैं। हमने google.com ओपन किया और कोई इमेज हम सर्च करते हैं। HP PTZ कैमरा, तो HP PTZ कैमरा की कोई इमेज हम देखते हैं, वो डायरेक्टली कैसे आपके ब्राउजर से सीधा राइटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम यही इमेज ले लेते हैं, तो हमने इस इमेज पे क्लिक किया, जैसे हमने इस इमेज पे क्लिक किया हम इस इमेज को यहाँ ले गया, नो आप इसे क्लोज कर दो,
देख पा रहे हैं ब्राउजर से सीधा ये इमेज आपके राइटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गई। सो ब्राउजर से टेक्स्ट इमेज कुछ भी राइटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके आ सकते हैं। ये चेंजेस हमने राइटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर किए हैं। अब आप पहले टच पैनल के ऊपर दो स्प्लिट स्क्रीन कर पाते थे, नाउ हमने पैनल दोनों डिफरेंट कर दिए। जो हमारे TR380 सीरीज है उसके अंदर अगेन आप टू स्प्लिट स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, बट अगेन दिस आर हायर सीरीज TR390 जिसको हमने अपग्रेड और अपडेट दोनों किया है। इनफैक्ट एंड्रॉयड तो हमने दोनों सीरीज में अपडेट किया है, बट इसके अंदर हमने स्प्लिट स्क्रीन चार स्क्रीन कर दी। तो आप मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। आपको यहाँ क्लिक करना है, जैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि एक स्क्रीन इधर आ गई, नाउ हमने फाइंडर ओपन किया। फाइंडर को ओपन करने के बाद हम इसे टॉप कॉर्नर में लेके चले गए। हमें कोई वीडियो ओपन करनी है फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ वीडियो ओपन कर ली, तो तीन आप देख पा रहे हैं हमने तीन कॉर्नर ऑलमोस्ट कवर कर लिए। नाउ हमें यहाँ ब्राउजर भी ओपन करना है, तो सेम आप यहाँ ब्राउजर भी ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ हमने ब्राउजर ओपन किया और हमारा स्टोरेज ओपन किया, राइटिंग सॉफ्टवेयर ओपन किया। नाउ आपको लग रहा है कि समथिंग इज इम्पॉर्टेंट कि आपको ब्राउजर से सीधा राइटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके जाना है, तो ये बहुत सिंपल कर दिया। आपको जस्ट यहाँ मेन्यू में क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। आपको जो एरिया आप क्रॉप करके लेके जाना चाहें, जिस टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन करना है, हमने सेलेक्ट किया एरिया, देन इंसर्ट किया, ऑटोमेटिकली ये ब्राउजर से सीधा राइटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर चला जाएगा। तो आप मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली ब्राउजर से, कंटेंट को, इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, तो बहुत इजी कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपका टाइम सेव करने वाली है। तो अगर आपको हमारे फीचर्स पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। फॉर मोर डिटेल प्लीज कॉल अस ऑन 9111666 0593। थैंक यू।